है स्टूडेंट आपका, और आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 11.2 और ये है वीडियो नंबर 4। इससे पहले का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको लिंक मिल जाएंगे, आप उसको देखिए समझिए, तब आपके लिए ये वीडियो काफी इजी हो जाएगा। स्टूडेंट वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे और कोई भी वीडियो मिस ना हो स्टूडेंट, और आपको नॉलेज मिलता रहे और आप आगे बढ़ते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा आकृति में, ये है स्टूडेंट आकृति, फिगर है। इसमें बोलता है क्या यह एक समलंब चतुर्भुज है, क्या यह एक समलंब चतुर्भुज है। दूसरा, इसकी कौन कौन सी भुजाएं समांतर है, ये भी पूछ रहा है स्टूडेंट। तो पहले तो आप जान लीजिए आखिर समलंब किसे कहते हैं। तो समलंब स्टूडेंट ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का एक युग्म समांतर हो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान रखना है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का एक युग्म समांतर हो, समांतर का मतलब आप जानते ही होंगे स्टूडेंट, है ना, समांतर का मतलब होता है ना, जो आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती हो। जैसे ये देखिए स्टूडेंट, इन दोनों भुजाओं को आगे पीछे बढ़ाया जाए तो ये कटने वाली नहीं है, लेकिन वहीं इसको देखिए स्टूडेंट, इसको पीछे करें तो नहीं कटेगा, लेकिन आगे की ओर ले जाएंगे तो क्या होगा, कटेगा। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, ए बी जो है वह सी डी के समांतर है, इसी को कहते हैं भुजाओं का एक युग्म समांतर। क्या कहेंगे स्टूडेंट, भुजाओं का एक युग्म समांतर, क्या समांतर है, तो ए बी समांतर डी सी, तो इसीलिए ये जो है चतुर्भुज एक समलंब चतुर्भुज है स्टूडेंट। तो आइए, समलंब चतुर्भुज का एक और गुण है स्टूडेंट कि जो समांतर भुजाएं हैं उस समांतर भुजाओं को देखिए, ये और ये समांतर भुजा है और इस समांतर भुजा को मिलाने वाली एक रेखाखंड है, तो इस पे जो कोण बनेंगे स्टूडेंट, इस कोण का योग होगा 180 डिग्री, और इसको हम लोग कहते हैं आसन कोण। देखिए भुजा समांतर, ठीक है, और समांतर भुजाओं को जब कोई मिलाता रेखाखंड तो उस पे जो कोण बनते हैं उन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और इसे हम लोग कहते हैं आसन कोण, और ये विशेषता समलंब में पाई जाती है। और बिल्कुल सही सोच रहे हैं स्टूडेंट आप, है ना सर, क्या केवल इधर से 180 होगा, नो, इधर से भी 180 होगा, क्योंकि ये समांतर है, ये मिलाने वाली रेखा खंड है, तो इसका भी जोड़ जो होगा वह 180 के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो स्टूडेंट समांतर है तो यहाँ पे एक नियम होता है, एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, और इसको हम लोग कहते हैं आसन कोण, याद रखेंगे स्टूडेंट, इसको हम लोग कहेंगे आसन कोण। तो चलिए, अब आपके लिए काफी इजी हो जाने वाला है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में था पूछा कि यह एक समलंब चतुर्भुज है, तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो दो एंगल दिए गए हैं, है ना, समलंब कहने के लिए ये जो दो एंगल दिए गए हैं दोनों एंगल को ऐड करेंगे, ऐड करने पे क्या मिल रहा है स्टूडेंट, तो 180 मिल रहा है बिल्कुल, और 180 जब मिलता है ना, तो आसन कोण बना रहे हैं, और आसन कोण बना रहे हैं तो आप जान लीजिए कि वो दोनों जिस पर आसन कोण बन रहा है वो दोनों रेखाखंड, है ना, आपस में क्या होंगे, समांतर। तो इस पे देखिए आसन कोण इस पे बन रहा है, तो इसका मतलब ये और ये दूसरे के क्या होंगे, समांतर होंगे स्टूडेंट। तो हम लोग बोलेंगे चूंकि एंगल जी प्लस एंगल एफ बराबर, है ना, फाइंड करेंगे, तो ये देखिए
एंगल जी प्लस एफ, तो जी का मान जो है स्टूडेंट जी जी, तो जी का वैल्यू 110 और एफ का वैल्यू 70 डिग्री, तो ये हम लोग को मिला 180 डिग्री। और ऐसा होना क्या कहलाता है? आसन कोण कहलाता है। और आसन कोण बनने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, कि ये जो रेखा खंड है वो समांतर है, मतलब ई एफ समांतर होगा, ई एफ समांतर होगा एच जी, ठीक है, एच जी और समांतर होगा, तो हम लोग कह सकते हैं अतः ई एफ जी एच एक समलंब है ना, एक समलंब चतुर्भुज है। ये वो स्टूडेंट, तो समलंब चतुर्भुज कहने के लिए, तो देखिए क्या हुआ पहले, क्या यह एक समलंब चतुर्भुज है? तो हाँ है। क्यों है सर? तो इसके आसन कोणों का योग जो आ रहा है वो 180 डिग्री है, और ऐसा होने का मतलब होता है कि ये रेखाएं समांतर है, और समांतर है तो इसका मतलब हुआ कि यह एक समलंब चतुर्भुज है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। स्टूडेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहता है एबी समांतर सीडी है, तो सॉल्व करेंगे तो लिख देंगे स्टूडेंट एबी समांतर सीडी है। ये देखिए ये एबी है, ये सीडी है, और ये दोनों ही एक दूसरे के समांतर है, तो एबी समांतर सीडी है, तो बोलता है सी का मान ज्ञात कीजिए, तो सी का मान ज्ञात कीजिए, तो ये हुआ स्टूडेंट सी है ना, तो ये ज्ञात करना है। तो थोड़ा सा ध्यान अगर आप दे रहे होंगे तो आप कहना चाह रहे होंगे सर ये और ये समांतर है, ये और ये समांतर है, और इसको कोई रेखाखंड मिला रही है, तो इन दोनों कोणों का योग होगा 180 डिग्री, और रीजन लिखेंगे आसन कोण। रेखाएं समांतर जब होती है और उसको कोई मिला रहा हो तो उस पर बने अंता कोण जो होते हैं उसका योग होता है 180 डिग्री, और इसको कहते हैं आसन कोण। तो स्टूडेंट यहाँ हम लोग बोलेंगे डायरेक्टली एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ लिखाएगा आसन कोण है ना, आसन कोण लिखाएगा स्टूडेंट, और एंगल बी का वैल्यू है 105 डिग्री, सी हमें निकालना है बराबर 180 डिग्री, तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 105 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू, तो ये हो गया 5 और ये 7 है ना, और ये हो गया, तो सी एंगल सी इज इक्वल टू 7 को। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10, 10 में काफी इजी है, थोड़ा कॉन्सेप्ट और फिगर को आपको बहुत अच्छे से समझना है, यही इस क्वेश्चन में आपका मेन काम होगा स्टूडेंट। तो सबसे पहले तो हम लोग को बोला जा रहा है यहाँ पे कि अगर सॉल्व कर रहे स्टूडेंट तो यहाँ बोला जा रहा है कि ए बी सी डी और है ना ई एफ जी एच दोनों समांतर चतुर्भुज है। ओके स्टूडेंट, दोनों समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज है तो आपको क्या करना है, एक्स का मान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन स्टूडेंट आप देख सकते हैं, ओके मैं लेकिन फिगर थोड़ा और समझा के आपको बनाने वाला हूं। तो ये देखिए यहाँ पे आपके सामने पहला समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, ए बी सी डी, और इस ए बी सी डी में आपको ये दिया गया है 130 डिग्री। ओके स्टूडेंट, तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि आपको इस एंगल सी की जरूरत होगी, और एंगल सी निकलेगा कैसे, तो दिख रहा है स्टूडेंट आसन कोण लगने वाला है, तो ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है और ये
सीडी भुजा है, तो इस भुजा पर बने कोणों का योग क्या होगा 180 डिग्री। तो स्टूडेंट्स मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं ए, तो आप क्या लिखेंगे है ना, आप यहाँ पे सीधा नु चलते ज्यादा नहीं काटते हैं, तो 130 डिग्री प्लस ए बराबर 180 डिग्री, और ये हो गया हमारा आसन कोण, आसन कोण। अब यहाँ से स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, ए का वैल्यू निकालेंगे, तो 180 माइनस 130 डिग्री, देन ए इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट, तो ये 50 डिग्री, तो ए का वैल्यू आया। अब हम लोग दूसरा समांतर चतुर्भुज को देखेंगे, ठीक है, तो ए का वैल्यू तो हमें पता चल गया कि ये 50 डिग्री आएंगे। अब दूसरा जो समांतर चतुर्भुज है वह आपका क्या था स्टूडेंट, तो वह है ई, यहां देखिए स्टूडेंट ई एफ जी एच, बिल्कुल देखा स्टूडेंट, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है क्योंकि यहाँ दोनों ही समांतर चतुर्भुज को कंबाइन कर दिया गया स्टूडेंट, तो ई एफ जी एच, और इसमें एफ का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 70 डिग्री, और आपको इस एंगल की जरूरत पड़ेगा, मान लेते हैं इसको बी थोड़े देर के लिए स्टूडेंट, तो बी मान लेते हैं, तो ई एफ जी एच तो एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं, याद आए स्टूडेंट, तो बराबर होते हैं, तो ये 70 है, तो बी का वैल्यू भी 70 होगा, और ये क्वेश्चन में आपका था एक्स, तो हम लोग डायरेक्टली बोलेंगे स्टूडेंट है ना, एंगल बी इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 70 डिग्री, और नियम होगा यहाँ पे हमारा सम्मुख कोण, तो सम्मुख कोण हुआ स्टूडेंट। अब आप जान चुके होंगे कि यहाँ पे दो कोण को निकालने का क्या पर्पस था, क्योंकि ये जो x है वह एक त्रिभुज में है स्टूडेंट, ध्यान से देखें यह एक ट्रायंगल के अंदर बन रहा है, और इस ट्रायंगल में तीन एंगल हैं, और तीन एंगल में हमने दो एंगल निकाल लिया है, एक 50 डिग्री या दूसरा 70 डिग्री, या तीसरा निकालना बाकी है जो है आपका x। तो अब यहां से आप क्या करेंगे स्टूडेंट, तो हम लोग बोलेंगे चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री, और तीन कोण में दो पता है, एक 50 दूसरा 70 तीसरा पता नहीं है, तो यहां से ऐड करेंगे 7 5 12 120 डिग्री प्लस एक्स R is equal to 180 डिग्री, then x is equal to 180, अब ये प्लस से इधर आके माइनस हो जाएगा स्टूडेंट, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो गया 60 डिग्री, तो ये हमारा x का वैल्यू आ गया स्टूडेंट, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तो इसी तरह के वीडियो हम लोग अक्सर अपलोड करते रहते हैं है ना, हमारा काम जो है कंटिन्यूटी एकदम बना रहता है स्टूडेंट, अक्सर हम लोग डेली वीडियो अपलोड होते रहते हैं, कोई भी वीडियो मिस ना हो इसके लिए जरूरी है कि सब्सक्राइब के साथ साथ उस बेल आइकन को भी दबाएं जो बगल में है स्टूडेंट, ताकि हम लोग जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी, आपके स्क्रीन पे आ जाएंगे स्टूडेंट है ना, यूट्यूब स्क्रीन पे आप फिर देख सकते हैं, कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा, और सब्सक्राइब जरूर करके रखा कीजिए, आप न्यू हैं या देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बनता है, ये आपका सपोर्ट है हमारे लिए जो जरूरी है, और यही सपोर्ट हमें आगे बढ़ाता रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे और नए टॉपिक के साथ।